हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल देव। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जियो प्ले टीवी कैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी चल सकता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका जियो नेट कनेक्ट करना होगा डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ। USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी। मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना होगा नॉक्स ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं नॉक्स सेटअप इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इंस्टॉल आपका प्रोसेसर स्लो है तो टाइम दीजिएगा इंस्टॉल करने के। स्टार्ट। यहाँ पे आप स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हैं। बूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बूट हो गया। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, गॉट इट। तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जियो टीवी का जो ओल्ड ऐप है उसका इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे APK जो आइकॉन है उसमें आपको क्लिक करना है इंस्टॉल करने के लिए। आई नो, जियो प्ले ओपन, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए। जियो का नेट है इसीलिए स्किप करने से ही खुल जाएगा जियो का ऐप। नेक्स्ट, गॉट इट, चल रहा है। अब देखिए चैनल स्टार HD2, यहाँ पे स्टार का चैनल भी चल जाएगा क्योंकि ये ओल्ड ऐप है, इसलिए हॉटस्टार में नहीं जाएगा। यहाँ पे आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप करने से एग्जिट फुल स्क्रीन हो जाएगा। राइट क्लिक, राइट में जो बटन है वहाँ पे भी आप एग्जिट फुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वालिटी हाई कर सकते हैं। आज जियो का नेटवर्क थोड़ा डाउन है इसलिए ये सब दिखा रहा है। कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा तक चैनल नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे रिबूट का भी एक बटन है, आप यहाँ रिबूट कर सकते हैं। यहाँ क्लोज बटन है, यहाँ पे क्लोज करके ओके कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। सो प्लीज़ मेरा ये वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।